नमस्कार, स्मृति तक में आपका स्वागत है। वर्ष 2023 की दिवाली 12 नवंबर को है। इस वीडियो में हम दो मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे और दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। पहली, माँ महालक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्ति कैसी खरीदें, और दूसरी, घर के बाहर बिजली वाली लड़ी से प्रकाश के बदले दिए जलाकर दिवाली मनाना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन के द्वारा ही हमारे सनातन धर्म की बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। सनातन धर्म में दिवाली प्रमुख त्योहारों में एक है। पंचांग के अनुसार दीपावली का त्योहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। दीपावली संस्कृत के दो शब्दों के मेल से बना है और वे शब्द हैं दीप और आव। दीप शब्द दीपक को कहते हैं, जबकि आवली का अर्थ होता है श्रृंखला। इस तरह दीपावली का अर्थ है दीपकों की श्रृंखला। दीपावली का अपभ्रंश शब्द है दिवाली। अब बात यह है कि दिवाली में माता महालक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की किस प्रकार की मूर्ति घर में लाएं? तो कई लोग ऐसी मूर्ति खरीदते हैं जिसमें दोनों साथ साथ होते हैं। साथ साथ भी हो तो कोई समस्या नहीं है, मगर कई लोग वैसी मूर्ति पर पूजन के समय चुनरी से ढक देते हैं, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवी लक्ष्मी श्री गणेश जी की माता है, इसीलिए उनकी संयुक्त मूर्ति को चुनरी से नहीं ढकना चाहिए। इसीलिए माता महालक्ष्मी की अकेली मूर्ति को ही चुनरी से ढकना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी के जो साथ हों उन्हें नहीं। अच्छा होगा वैसी मूर्ति लाएं जिसमें दोनों अलग अलग हों। अब बात यह कि दिवाली की रात्रि को किस प्रकार से घर रोशन करें, दीपक से या इलेक्ट्रॉनिक लड़ियों से? तो इसका उत्तर ये है, आप दिवाली को या आने वाली सभी दिवाली को घर के आसपास केवल दिए की रोशनी से ही रोशन करें। इसके पीछे जहां एक और धार्मिक कारण है, तो वहीं दूसरी ओर इसके पीछे देशभक्ति भी शामिल है। धार्मिक कारण यह है कि दीपक को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा गया है, जबकि दिए में अग्नि प्रज्वलित होती है। सनातन धर्म में अग्नि स्वयं देव है, यह ऊर्जा है, इसलिए दिए का महत्व अधिक है। एक कारण यह है कि दिए का प्रकाश निराकार ब्रह्म का सूचक है। यही कारण है कि हम अपने देवी देवताओं व ईश्वर के सामने दिए जलाते हैं। इसीलिए आप भी दिवाली मिट्टी वाले दिए के साथ मनाएं। मिट्टी के दिए में तेल डालकर ही अपने घर और आसपास रोशनी करें। इससे स्वदेशी को बढ़ावा मिलता है, इससे लोगों के रोजगार में वृद्धि होती है। कई लोगों का घर परिवार इसी के द्वारा चलता है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसीलिए आपका भी कर्तव्य है कि आप उनके रोजगार में उनका साथ दें, स्वदेशी को बढ़ावा दें। तो ध्यान रहे, यह दिवाली मिट्टी के दियो वाली, तो यह दिवाली मिट्टी के दियो के संग। तो इस वीडियो में यहीं तक। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि इस जानकारी को और अधिक लोग
जान सके। और हाँ, स्मृति तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय माँ दुर्गा, जय माता।